हे गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं फना तेरे इश्क में मर जावा शो के बारे में। जी हाँ, जो कि एक नया शो है और बहुत ही जल्द आपको इसका फर्स्ट एपिसोड भी देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, फर्स्ट प्रोमो तो रिलीज हो चुका है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया है। खासकर बता दें आपको, यहाँ पर जो स्टारकास्ट नज़र आ रही है उसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। स्टारकास्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, यहाँ पर आपको रीम शेख नज़र आने वाली है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है तुझसे है रब्ता शो से, जहाँ पर कल्याण के कैरेक्टर में नज़र आई थी। और शहबान आज़िम और कल्याण यानी कि रीम शेख की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस रही है तुझसे रब्ता शो में। सो यही वजह है कि उस शो की सीजन 2 की डिमांड भी चल रही है और फाइनली इधर इनका एक नया शो आ गया है जिसको लेकर फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं। उनके फैंस तो यही चाहते थे कि उनके अपोजिट शहबान आज़िम दिखे, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जैन इमाम को देखने के लिए भी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि जैन इमाम की भी फैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है। सो अगर इस शो की बात करें फना तेरे इश्क में, तो जिस तरीके से आप जानते होंगे शो के टाइटल से ये डिसाइड होता है कि इसका जुनून से भरा होने वाला है ये शो। तो जी हाँ, कुछ ऐसी स्टोरी होने वाली है जो इसको प्यार में पागल है, पाखी के प्यार में। जी हाँ, यहाँ पर रीम शेख का नाम पाखी है, सो उनके कैरेक्टर का नाम पाखी है और लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं इस जोड़ी को देखने के लिए। जैसा कि आप जानते होंगे, रीम की जोड़ी वैसे तो हर किसी के साथ काफ़ी अच्छी दिखती है पर्दे पर, चाहे वो बात हो फिर सिद्धार्थ निगम की या फिर बात हो शहबान आज़िम की, और अब बात हो रही है जैन इमाम की। और साथ ही साथ ये शो लव ट्रायंगल पर बेस्ड होने वाला है, तो अक्षय सुखीजा भी यहाँ एंट्री करने वाले हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर उनके साथ भी उनकी जोड़ी काफ़ी खूबसूरती से पर्दे पर नजर आएगी। सो देखने के लिए आप जरूर बताइएगा कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं। और इस शो की अगर स्टोरी की बात करें, तो स्टोरी जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट प्रोमो से काफी कुछ क्लियर होता हुआ नजर आ रहा होगा, फर्स्ट प्रोमो से आप लोगों ने आइडिया लगा ही लिया होगा कि आखिर स्टोरी होने ही क्या वाली है। सो कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं आप रीम शेख को कल्याणी से पाखी बनते देखने के लिए, और उनके अपोजिट नज़र आ रहे शहबान आज़िम की जगह पर जैन इमाम को देखने के लिए? कमेंट करके ज़रूर बताना। आपकी एक्साइटमेंट, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।